जी 2024 के स्टूडेंट से बात चल रही है और दो वीडियोस हमने बना दिए, एक स्ट्रेटजी की बात की थी, एक वीडियो में बुक्स की बात की थी। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं आगे निकल गया, आगे इन द सेंस कि मैंने तो बुक्स बता दी, मैंने तो स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में यही डाउट अभी तक रह गया है कि क्या हम एग्ज़ाम क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि 11th भी आपकी ऑलमोस्ट हाफ फिनिश हो चुकी है, राइट। एंड अब आपकी 12th कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी, आफ्टर 3, 4, 5, 6 मंथ्स, वट एवर इट इज़। एंड इस पीरियड में कई लोगों को यही डाउट है कि भाई हमने तो अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है, या हमने स्टार्ट भी नहीं किया। कुछ लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, या मे बी सम पीपल दे कुड नॉट कैच अप विद देयर कोचिंग, राइट, विच आर वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम्स, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है, हर साल स्टूडेंट्स को होती है। हर साल उनको बताता रहता हूँ कि भाई ये चीज़ करनी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या जेई क्लियर करना पॉसिबल भी है या नहीं है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल बच्चा जो है आजकल 9th-10th से तैयारी शुरू कर देता है, तो उसके पास 3 to 4 ईयर्स होते हैं जेई प्रिपरेशन के लिए, राइट। अब आपने 11th भी आपकी हाफ फिनिश हो चुकी है, तो आपके पास अब 1.5 ईयर्स बचे हैं लगभग, तो क्या इस पीरियड में पॉसिबल है? ठीक है, अच्छे से बात करेंगे। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लगता है पॉसिबल है जेई तुम्हारे लिए क्लियर करना एज ऑफ नाउ, और अगर लगता है कि नहीं है तो क्यों नहीं लगता है, कि तुम कहाँ पे हो, लेट मी नो अ बिट वेयर डू पीपल स्टैंड, क्योंकि मुझे भी एक आइडिया लगता है यार आप लोग कैसे हो, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियोज थोड़ी बेटर आपके लिए बना पाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात छोटी सी कि 21 अक्टूबर तक हमारा J2024 का जो कोर्स चलता है उस पर अप टू 50% डिस्काउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे जेई के लिए चाहिए, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मेरे द्वारा। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने खुद कवर किया है, मैं 2017 में फर्स्ट रैंक करता जेई में, और काफ़ी कुछ मुझे पता चला है एग्जाम के बारे में। पिछले 5-6 साल से मैं स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, तो इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस रिच प्लेटफॉर्म। आपको काफ़ी वहाँ पे यूनिक चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स अपनी कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइंड है। बाकी प्लेटफॉर्म यूजली टॉपर्स को ज़्यादा कैटर करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा कैटर करके उनको टॉपर्स हम बना पाए, ठीक है। तो अगर आप अपनी कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है यार, सबके साथ होते हैं, अपने अंदर की बात है, कोई उड़ा नहीं रहा हूँ या उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। हर अचीवर सक्सेस से पहले कभी स्ट्रगलर रहा होता है, आप उसे डेफिनेटली चेक करना चाहिए, और बता देंगे 21 अक्टूबर तक ही इसको चेक करना, ठीक है, फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इस पीरियड में क्या जेई तैयारी पॉसिबल है या नहीं? तो यार एक मेरा काफ़ी फेमस एक ग्राफ है जो मैं बहुत बार बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये है आपकी जेई प्रेप, ठीक है, ये है आपकी क्लास 10th, ये है आपकी क्लास 11th, ये है आपकी क्लास 12th, या इसको हम जेई भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10th ख़त्म हुई है, 11th चालू हुई है, यहाँ पे 11th ख़त्म हुई है, और यहाँ पे 12th एंड हुई है और जेई शुरू हो गया। और ये है आपका सिलेबस, 100% सिलेबस तुम्हारा इतना है जेई का, ठीक है। अब तुम्हें कर रहा क्या है, तुम्हें इस पॉइंट पे पहुँचना है, भले कैसे भी पहुँचो, कि भाई जब आपका जेई का टाइम आए तब आप तैयार हो फुल सिलेबस के साथ, ये करना है ना तुम्हें। तुम्हें प्रिपरेशन का लेवल है बेसिकली, दिस इज योर प्रिपरेशन का लेवल। छोटा तो दिख रहा कैमरा में, हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। प्रिपरेशन का लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए बाय द एंड ऑफ जेई इज ओवर, क्या आपको समझ आया इतना। अब इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से चलते हैं, धीरे धीरे चल के ऊपर बढ़ गए, कुछ बच्चे स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं, कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अब इन तीनों लाइन का मतलब समझो, ऊपर लाइन का मतलब क्या है, कि बच्चा पहले बड़ा तेज पढ़ रहा था, फिर बाद में हाँ ठीक है, मतलब पहले ही इसने काफ़ी कुछ कर लिया, ये बच्चा हुआ है जिसने 10th तक बहुत कुछ अचीव कर लिया है, 11th-12th में इतने से पढ़ना नहीं पड़ा, ठीक है। अब हो सकता है ये बच्चा ऐसे जा रहा हो कि भाई इसने तो कुछ अलग ही लेवल का पढ़ लिया हो, वो हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे केवल जेई की बात करें। तो जेई के लिए जो नॉलेज चाहिए वो इस बच्चे को ऑलरेडी मिल गई थी, फिर बाद में इसने धीरे धीरे पढ़ा तो इसका काम चल गया। ये बच्चा ये कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा, थोड़ा 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 करके इसका सिलेबस हो गया। ये वाला जो बच्चा है इसने थोड़ा सा लेट शुरू किया, देखिए आप ये पहले कमज़ोर था लेकिन लास्ट में इसने पिकअप कर लिया। तीनों ही तरीके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे आके जेई वाला पूछेगा नहीं कि भाई आप इस रास्ते आए हो, इस रास्ते आए हो, इस रास्ते आए हो। जेई इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, उसको रास्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको बस चाहिए कि भाई तुम तैयार हो उस दिन, ये तुम्हें पेपर थमाएगा, पेपर में जो अच्छा करके आएगा वो एग्जाम में आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि ये वाला बच्चा जो पहले से बड़ा तैयार था, इसको थोड़ी सी इसने सिले मिस्टेक ज़्यादा कर दी, इसकी रैंक आ गई 1000, और ये वाला बच्चा जो धीरे धीरे पढ़ रहा था, ये तैयारी तो इसकी भी इक्वल है। हो सकता है इसका पेपर फेवर में आ गया, इसकी रैंक आ गई 200, तो अभी बच्चा रोता रहेगा जीवन भर कि अरे देखो मैं तो पहले इतनी पढ़ाई की, और ये वाला बच्चा बाद में पढ़ के भी मुझसे आगे निकल गया। तो आपको ये वाला बच्चा बनना है, ठीक है, आपको ये वाला बच्चा बनना है। रास्ता कोई सा भी हो, हमारा काम है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज आप अपना काम कंप्लीट कर देंगे, आपको जेई क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। जेई वाले कोई पूछने नहीं वाले हैं कि भाई तुम में से कौन कौन लोग NTSC स्कॉलर, अच्छा तो NTSC स्कॉलर, अच्छा चलते हैं को प्रायोरिटी सीट देते हैं, अच्छा ये 10th क्लास से पढ़ रहा है इसको चलो आगे ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एग्जाम के दिन नंबर लेके आने हैं, ठीक है। वो अगर आप अगले 1.5 साल में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ,
ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये वाला कौन सा वाला कि क्या इतने साल में मैं जेई कर सकता हूँ, जेई 2023 वाले स्टूडेंट्स के पास अभी लगभग 1 ईयर के आसपास बचा है, 11 या 10 मंथ्स मान लो, 9-10 मंथ्स मान लो लगभग, क्योंकि अभी 2022 वालों का एग्जाम जस्ट क्लियर हुआ है, 2022 वालों का जस्ट एग्जाम अभी 1 महीने पहले तो खत्म हुआ, 1-1.5 महीने पहले, राइट। तो 2023 वालों के पास 9-10 मंथ्स बचे हैं। ये बच्चे भी मुझे पूछते हैं अभी कि क्या हम अभी स्टार्ट करके जेई कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले जेई 2022 वाला जो बैच था ना, उनके जब 3 या 4 महीने बचे थे, आज से लेट्स से 6 मंथ पहले की बात करूँ, वो भी पूछते थे कि क्या हम अब स्टार्ट करके जेई कर सकते हैं। तो ये वाला जो सवाल होता है कि क्या हम अब स्टार्ट करके जेई कर सकते हैं, ये हर समय पूछा जाता है, भले ही एग्जाम में 2 महीने बचे हो कि भले ही 2 साल बचे हो कि भले ही 10 साल बचे हो। कई लोग तो पता है मुझे 10th क्लास के आके पूछते हैं कि क्या जेई क्लियर किया जा सकता है। ये क्या है, 9-10 के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कनेक्ट में रहते हैं, पूछते हैं कि अरे यार 9-10 में क्या जेई लेट हो गया है क्या। तो ये वाला जो सवाल है कि क्या अब हम जेई कर सकते हैं, ये सदियों से चलता ही रहेगा। आपके पास भले ही 10 साल बचे हो, नथिंग इज इनफ, कोई भी टाइम इनफ नहीं होता, इतना टाइम इनफ है जेई प्रिपरेशन के लिए। हमेशा ये डाउट रहेगा कि क्या अब हम कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि भाई अभी जो बच्चा है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। और आप ये सोचिए ना कि यार ये बच्चे या इस बच्चे के कंपैरिजन में तो आप कितना ज़्यादा बेटर करोगे, अभी तो आपकी 11th खत्म भी नहीं हुई। आप अगर अभी चाहो ढंग से चलो तो 11th के अंदर ही आपकी घर का मामला घर के अंदर ही रह जाएगा। 11th का आप 11th के अंदर ही फिनिश कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अगर इस वाले पाथ पे चलते जो मैंने बताया ना ये वाला, तो आप डेफिनेटली जेई क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लास 11th का देखो, आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा 11th में जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको एफर्ट थोड़ी सी और लगानी है, और 12th बहुत बड़ा पीरियड आपके पास है, 12th एक बहुत बड़ी परीक्षा है, 12th एक बहुत लंबी रेस होती है, ठीक है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, मतलब 11th में क्या है बच्चे इतना मूड में नहीं होते हैं, 12th में आके आप देखना कि कितने ही बड़े बड़े लोग धाराशाही होंगे जो आपकी कोचिंग में बहुत ही बोलते होंगे ना सर सर, हाँ मुझे पता है, कितने ही लोग धाराशाही होंगे उनमें से, और आप में से कई सारे लोग जो बैक वेंचर्स थे जो 2nd 3rd बैच में पढ़ रहे थे वो आगे बढ़ बढ़ के 1st टॉप 10 में रैंक लाने लग जाएंगे, कितने ही बच्चे होंगे ऐसा देखना, हर बैच में होता है। तो थोड़ा सा आप ट्राई करें कि आप 2nd कैटेगरी के अंदर है कि यार आप अब थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करते जाए, थोड़ा सा बस सीरियसनेस की बात है यार, क्योंकि देखो तुम लोग का जो फ्यूचर है, देखो आपको आप ये सब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस, आपको ये इसलिए कर रहे हो ना यार, आपको एक लाइफ में सर्टेन सक्सेस चाहिए, एक तो पेन याद है बेकार है, आपको लाइफ में सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए कि यार आपके पास पैसे हों अच्छे खासे, ठीक है, आपके पास अच्छा सा हाउस हो, आपके पास अच्छी सी कार्स हो, आपकी पोजीशन अच्छी हो वर्ल्ड में, आप इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो बेसिकली। ये सब जो चीज़ें हैं आज की तारीख में जेई के अलावा किसी और तरीके से अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल आप कुछ भी मत करो, जेई क्लियर करके तुम एक IIT बन के किसी ठीक ठाक कंपनी में भी लग जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में आजकल बहुत हायर कर रही है कंपनीज, ठीक है, इनमें तुम्हारा पैकेज इतना लगेगा कि तुम ये सब में बहुत आगे बढ़ जाओगे इवन एट द एज ऑफ 21-22। आप देखिए ना 21-22 साल के लोग आजकल अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में 50 लाख 60 लाख ऐसे की पैकेज फोड़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऐसा भी नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेप्शनल अलग ही लेवल के 1st 2nd रैंकर लोग हैं ये, बहुत ही अगर आप एक इवन NITian भी है थोड़ा सा कॉलेज में ढंग से पढ़ते हैं, इंटरव्यू प्रेप वगैरह अच्छी करते हैं, अच्छा आपका जॉब लग जाता है। और जब तक आप लोग बड़े होंगे तब तक तो ये पैकेजेस और बढ़ जाएंगे क्योंकि इंडिया तब कितना डेवलप हो चुका होगा। तो ये जो आपकी जो ड्रीम लाइफ है, जो सक्सेसफुल लाइफ है, उसकी तरफ जाने के तरीके बहुत सारे हैं। आप एक्टर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट तरीके हैं। यहाँ पे बहुत आसान है, आपको बस पढ़ाई करनी है, एक आध एग्जाम निकालने हैं, फिर कॉलेज में थोड़ी और पढ़ाई करनी है, इंटरव्यू निकल हो गया खत्म काम, राइट। इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू सक्सीड फॉर अ मिडिल क्लास स्टूडेंट। अब आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे, मैं खुद कहूँगा कि भाई कोई बात नहीं, आपको जेई की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, इससे बेटर तरीका, फास्ट तरीका नहीं है जेई के लिए। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी, ठीक है, कि यार हाँ 1 साल 1.5 साल हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और रिवॉर्ड उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा हमें मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दिस इनसाइड योर हेड कि अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वेट फॉर यू आफ्टर दिस 1.5 ईयर्स। थोड़ा सा बस हमें अपना पुश देना है, थोड़ा सा बस जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा बस पॉज करना है, दैट्स एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सब चीज़ें और चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ों की तरफ जाने के लिए और फास्ट तरीका चाहिए, तो तुम ये कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स के अंदर मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ कि अगर तुम स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हो तुम, क्योंकि अगर ये वीडियो देखी है कि भाई कैन आई स्टिल क्रैक जेई, इसका मतलब है तुम्हारी चीज़ें शायद सही नहीं चल रही थी, विच इज़ फाइन, ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं कि अरे यार मेरी चीज़ अच्छी नहीं चल, वो नहीं यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, राइट। ये चैनल बना ही इसलिए कि भाई लोग बिना किसी तरह के जजमेंट या फियर के अपनी चीज़ों को क्लियर कर सके, राइट। क्योंकि आप इसे पूछते हो, टीचर्स पूछने आप बोलते हो सर मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर उसमें अजीब लगता है कि अरे यार मैं सर को ये कैसे बोल दूँ कि मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही, राइट, लोगों को डर लगता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब बच्चों के साथ ये होता है, एंड इट इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जिनके पास
प्रॉब्लम चल रही है, जिनको लेट से 11th क्लियर नहीं है या जिनको बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, उनके लिए स्पेशली यूजफुल है। इसमें एक सेक्शन है जो मैंने खुद कवर किया, जिसमें आपको हर चैप्टर के बेसिक्स और एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनाई जाएगी। एडवांस लेक्चर्स भी हैं जिनमें हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल है, लेकिन वो उसके बाद आप देखेंगे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चैप्टर को समझ जाए, और ये जो हम पीछे चल रहे थे ना यहाँ पे ग्राफ में, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। पहला उसके अंदर ये काम किया गया, उसके अंदर आपको उस तरह के DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ सप्लाई कर दिए जाएंगे, एंड तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ मिलेगी। तुम जब चाहो इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई हम लाइव क्लास या कोई लाइव डाउट ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा आप उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे देंगे फर्स्ट डे पर, आपको जब मर्जी पढ़े, आपको रात को मर्जी पढ़े आप रात को पढ़ सकते हो, सुबह टाइम मिले सुबह पढ़ सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट। ओके, तो इसमें 2 साल का जो वैलिडिटी प्लान है 2024 तक, उसको चूज़ करना, वो इकोनॉमिकल भी ज़्यादा है पर मंथ बेसिस पे, और उसमें आपका लेट से जेई पोस्टपोन वगैरह होता है तो भी हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ तुम्हारे काफ़ी काम की रहेगी। 21 अक्टूबर तक ही लेना यार, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं नहीं चाहता आप लोग अपने पैसे बर्बाद करो, ठीक है? क्योंकि ये कोर्स आई थिंक 30,000 या 40,000 का आता है विदाउट द डिस्काउंट। अभी आप पूरे 2 ईयर्स का लोगे तो आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के अंदर वो मिल रहा है, और इवन अगर आपको लेट से शॉर्टर प्लान लेने हैं वो भी काफ़ी कम रेट पर मिल रहे हैं, तो इसको तुम चेक कर सकते हो। अगेन आप खुद से भी क्लियर कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उन लोगों को ऐसा नहीं होगी भाई आप हमारे बिना तो कुछ कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, अपनी कोचिंग से भी कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट है। इसमें थोड़ी तुम्हारी असिस्टेंस हो जाएगी। कोई बच्चा प्लीज़ पुश ना करे पेरेंट्स को कि अरे यार पापा ये तो दिलाओ ही दिलाओ, अगर आप ले सकते हो इजीली तो ही लेना, ठीक है? मैं नहीं चाहता है कि कोई ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को पुश कर रहा है कि अरे नहीं नहीं पापा लेना ही है, लोन लेके लो, नहीं है, है ना? आप अगर इसको फ्री वे में ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमारे फ्री नोट्स चैनल पर फ्री कंटेंट गाइडेंस वगैरह ये सब तो मैं आपको देते ही रहता हूँ, उसको फॉलो करें और आप जेई उससे भी क्लियर कर सकते हैं। ये तो आपकी एक मदद के लिए, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। 3-4 बातें बोलिए, क्या जेई अभी भी निकल सकता है? इसका आंसर है हाँ, ठीक है? इसका आंसर है यस, ठीक है? अभी हो सकता है एग्जाम, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियसनेस लानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने गोल के बारे में दिमाग रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ चलो अभी 1.5 साल हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 1 साल बाद हम बोले कि कैन आई क्रैक जेई इन 0.5 ईयर्स, क्योंकि जवाब तब भी यस होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? कैन आई क्लियर जेई इन 1 डे? यस, लेकिन चांस बहुत कम है, है ना? चांस बहुत कम है। हो सकता है एक बच्चा को एक दिन में कुछ तुक्के तुक्की कुछ मैजिक ट्रिक बना के कर ले, हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाइसेनबर्ग वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली जो होती है ना, वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है यहाँ पे, कि क्या आप 1 महीने में जेई कर सकते हो? हाँ, पर बहुत कम चांस है। क्या आप 2 साल में जेई के लिए कर सकते हो? बहुत आराम से। तो अभी टाइम है आपके पास, बाद में टाइम कम रहेगा तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब वगैरह, सारे लिंक्स वगैरह कोर्स के सोशल्स के सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय।